गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, या फिर गुड मॉर्निंग, जिस भी टाइम आप देख रहे हैं इस वीडियो को। आज के वीडियो में मैं एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करूँगा, फ्री हैंड से। और इस पूरे सेशन में आपका जो भी कॉन्सेप्ट्स है सब क्लियर हो जाएंगे, या फिर और तो और आपके अंदर जो डर है कि पोर्ट्रेट बहुत ज़्यादा मुश्किल है बनाना, वो तो एक निकल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो डर है वो पहले निकले और आप कॉन्फिडेंस फील करें। मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं, ये नॉर्मल सा पेंसिल है डॉम्स का। आप आर्ट लाइन का भी ले लीजिए। तो ये बड़ा सेशन होने वाला है, आपको पेशेंस के साथ देखना होगा। अगर आप नहीं देखेंगे पेशेंस के साथ, तो आपको लगेगा कि एक क्लास मिस हो गया, बड़ा सा क्लास क्लास होता है ना, वो क्लास मिस हो गया। जैसे कि ट्रेडिशनल एक उपाय है पेंसिल शार्प करने का, तो मैं ये पहले HB पेंसिल लेता हूँ। तीन चार पेंसिल लूँगा मैं, HB, 2B, 6B, 10B भी, 10B भी ले लेता हूँ। चलो अब इसको शार्प करेंगे। ओके, शार्प करने के लिए ये कटर है, कटर इसका से टूट गया। चलिए शार्प करते हैं। पहले HB को शार्प करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? तो आपको लगेगा आपने एक क्लास कर लिया, और मेरा भी थोड़ा वॉच टाइम बढ़ेगा ताकि ये चैनल भी मोनेटाइज हो सके। मैं ये शार्प कर लेता हूँ, फिर आते हैं। ऑलराइट, तो ये हमने कर लिया शार्प पेंसिल्स। दो मैंने इरेजर्स, सॉरी, शार्पनर से किया है, और दो मैंने कटर से। इसे रख देते हैं। अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमको बनाना होगा स्ट्रक्चर, ठीक है? स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल है, आपको तो ये लगता होगा। मुश्किल नहीं है, हमें ब्लॉक्स बनाने होंगे पहले। लेट्स स्टार्ट। पहले मैं हाइट्स एंड जो विथ है वो डिसाइड करूँगा। वो कैसे? मेरा एक सिंपल रूल है कि आपको स्ट्रक्चर बनाने में, घर में जब आराम से स्ट्रक्चर बनाओगे, तो स्ट्रक्चर बनाने में आपको लगेंगे 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट। अरे पूरी बात सुन लो, 20 मिनट लगेंगे स्ट्रक्चर बनाने में, और उस स्ट्रक्चर को एकदम करेक्ट, सटीक तरीके से रेडी होने में लगेंगे 2 घंटा। समझ गए? सिंपल रूल मतलब ये जो सर्कल है, हेड है, आंख वाक ड्रॉ करना होता है, ये सब तो हो जाएंगे आपके 20 ही मिनट में या फिर 10 मिनट में आराम से। लेकिन उसके बाद उसका करेक्शन भी तो है। अब काफ़ी टाइम ये होता है कि आपका
हेड तो बन गया लेकिन आंख कहीं और है। ऐसा होता है ना, हेड तो बन गया लेकिन आंख कहीं और है। फिर उसके बाद मतलब फीचर्स सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग इधर उधर, प्रॉपर तरीके से सटीक पोजीशन पे नहीं आते वो। सो इसलिए आपको वो फीचर्स ठीक करने होंगे। सो यहाँ एक ब्लॉक, यहाँ एक ब्लॉक। अब मैं उतना नहीं जा रहा, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए समझना। इतना होने पर मैं आँख के लिए लाइन ड्रॉ करूँगा। बनाते हैं लाइन। सो अगर मैं इस रेफरेंस को देखूँ तो आँख करीब करीब यहाँ तक, यहाँ पर होगा शायद, मुझे अच्छे से नहीं पता, ठीक है, शायद होगा। इस एजम्पशन के बेसिस पर हम सब कुछ ड्रॉ करेंगे। अब आँख यहाँ पर है तो आँख को एक लाइन से तो डिफाइन नहीं कर सकते, हम इसको दो लाइन से डिफाइन करते हैं। ये दो लाइन्स हमने जिसे डिफाइन किया, ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। नेक्स्ट है इसका नाक। अब नाक कहाँ से बनाए? अब नाक बनाने के लिए मैं सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। आपको लाइंस ड्रॉ करने होंगे, लाइन ड्रॉ करने होंगे बीच में से, बीच में से एक लाइन ड्रॉ करना होगा, थोड़ा सा राउंड शेप का होगा ऊपर और ऐसा बीच में से लाइन। ये लाइन कहाँ से ड्रॉ होगा? ये दोनों आँख के बीच में एक पॉइंट होगा, नाक के बीच में, नाक के बीच में एक जुड़ा होता है, कहाँ से होता है? एक मिनट, यहाँ पे बताता हूँ। ये मान लो नाक है तो ये कहीं पर तो जुड़ा होगा ना, जहाँ पर जुड़ा होगा वो उसका बीच का पोर्शन है, ये वाला, ठीक है। ये नाक यहाँ से जाएगा तो इसका लाइन कहाँ से आएगा? ये लाइन यहाँ होगा। अगर आँख सॉरी नाक यहाँ है और बीच का पोर्शन ये है, ठीक है, तो लाइन कहाँ से आएगा? यहाँ से। वैसे ही सेम इसी टेक्निक से हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। नाक होगा यहाँ से, फिर उसके बाद नीचे आएगा लाइंस, हम धीरे धीरे ड्रॉ करेंगे। जितना लाइंस उतना करेक्शन, करेक्ट आपका है ड्राइंग। सॉरी मेरा जबान ऐसा पढ़नी छोड़ा है क्योंकि अभी रात का टाइम है, सोने का टाइम है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये हो गया नाक। कोई भी लाइंस इतना डीप मत बनाना कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, थोड़ा सा हो, 60% आप कॉन्फिडेंट हो कि उस लाइन को वहीं पर होना चाहिए, लेकिन 30% 40% आप नहीं हो कॉन्फिडेंट, तो उस लाइन को उतना डीप भी मत बनाना। ये हमने इस आँख का जो गड्ढा है वो हमने ड्रॉ कर लिया। अब नाक भी बना लेते इसी बीच में, इसको जूम करते। अगर नाक के पास देखे तो कुछ इतना सा होगा शायद, लेकिन इसका हाइट कैसे डिसाइड करें मुश्किल है ना। हाइट कुछ ऐसे डिसाइड करें कि यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, क्या ये नाक को चीरते हुए जा रहा है? नहीं,
नीचे और आते हैं। इस पॉइंट पे देखें तो ये, हाँ ये पॉइंट नाक को चीरता हुआ जा रहा है। सो यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं, और ये होगा उसका मिडिल पोर्शन, ये मिडिल का जो लाइन्स है, ठीक है मिडिल। ये हो गया। अब यहाँ से होगा, अब ये जो लाइंस मैं खींच रहा हूँ इसको क्या मैं पहले से एज्यूम करके चल रहा हूँ या फिर मैं कॉन्फिडेंट हूँ? मैं एज्यूम पहले कर रहा हूँ फिर उसके बाद कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो लाइंस है, ये जो लाइन है, क्या ये लाइन इस आँख के बीच में आ रहा है, इस आँख को चीरता हुआ जा रहा है? मुझे लगता है ये जो लाइन है, हाँ ये आँख के बीच में आ तो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा मिटाना होगा। और पेंसिल को हमेशा ऊपर पकड़ना, ठीक है। पेंसिल को अगर नीचे पकड़ोगे ऐसे 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 जो करते हैं ना, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, वो कंट्रोल जो है वो आप खो दोगे। वैसे मैं भी उतना नॉलेजेबल नहीं हूँ, मैं तो बस देख देख के ड्रॉ करता हूँ, और इनको काफ़ी सारे टेक्निक्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि लूमिस मेथड, फिर पता नहीं क्या क्या होते हैं, ब्लॉकिंग टेक्निक, ये सब होता है। और मुझे तो उतना ही पता, सिंपल सा आदमी हूँ, सिंपल ड्राइंग करूँगा देख देख के। अब नाक तो हो गया, मिट गया, नाक के साथ साथ आग भी कर लेते हैं, कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं। अब अगर ये बीच वाला लाइन यहाँ से जा रहा है, सो इसके थोड़ा सा साइड में है ना, ये बीच वाला लाइन तो यहाँ से जा रहा है, इसके थोड़ा सा साइड में, यहाँ से यहाँ से हम इसका आँख बना लेते हैं। आँख पूरा नहीं बनाएंगे हम, होता है ना पहले आँख बनाते हैं, ऐसे 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 आँख बनाते हैं, वैसा नहीं, हम पहले उसका एरिया बनाएंगे कि आँख का पूरा एरिया, मैं इस एरिया का डॉन बोल रहे हैं, सो वो वाला एरिया हम बनाएंगे जिसके अंदर आँख राज करेगा, ठीक है ना। सो उसका एरिया कहाँ तक उसका साम्राज्य विस्तार है वो हम पहले ड्रॉ करेंगे। ये करीब करीब इतना ही होगा शायद, मुझे पता नहीं है कितना होगा, शायद इतना होगा। अरे इतना हो गया। सो नेक्स्ट करेक्शन करेक्शन अगर हम देखें तो ये जो लाइन है, यहाँ से एक लाइन आता है, यहाँ भी एक लाइन आ रहा है और यहाँ से भी एक लाइन आ रहा है। ये जो लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये सब फीचर्स कहलाते हैं। कोई मोटा होगा कोई पतला होगा, बस अंतर यही है। और अगर आपको डर लगता है पोर्ट्रेट बनाने से, ये टेक्निक आप रोज ट्राई कीजिए, आपको आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो कैसे होगा? कोई भी लर्निंग टाइम मांगता है आपसे। अब आपके पास वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है और रील्स देखने के लिए पूरा दिन है, तो आप समझ लो आप समझदार हो, ये हो गया आँख। अब ये
मेरे हिसाब से छोटा बड़ा भी हो सकता है, तो इसको भी मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि ये परमानेंट हो गया, क्योंकि हम इसके मतलब इसे धीरे धीरे धीमे हाथ से कर रहे हैं, एकदम लाइटली। सो ये इजी है, टाइम मांगेगा थोड़ा सा। नेक्स्ट आता है, हम मुंह पे अभी नहीं जाएंगे, जा भी सकते हैं लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अभी हम यहाँ से एक जस्ट राउंड हिस्सा ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक राउंड शेप जहाँ तक जाता है, यहाँ से। इस राउंड शेप के बीच में क्या क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक राउंड शेप है, यहाँ से कनेक्ट करते हुए, यहाँ से कनेक्ट करते हुए, तो ये करीब करीब इसका दुगना होगा, ये जो डिस्टेंस है इसका, ये इसका दुगना होगा। और ये कहाँ तक आएगा, ये लाइन नीचे कहाँ तक आएगा, ये आँख के सीधे इस एकदम आँख के सीधे सीधे यहाँ तक आके रुक जाएगा, राइट। अब ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, ऐसे ऊपर चलते हैं, तो ये लगभग लगभग इतना हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन इतना हो सकता है। भाई साहब गलती तो सबसे होती है, तो मेरे से भी होगा, आपसे भी होगा, लेकिन उससे अच्छा मान लो एक क्लास में 10 जन बैठे, 10 स्टूडेंट बैठे, अगर 10 में से मान लो 7 लोग पास करते हैं, एकदम ए ग्रेड के साथ पास करते हैं, और 3 लोग फेल करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा, बुरा या अच्छा? अच्छा लगेगा। थोड़ा सा हम वर्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, कि मान लो अब 2 जोन मतलब सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं वो पास किए, और 8 जन जो है वो फेल किए, आपको कैसा लगेगा, बहुत बुरा है ना? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गलती तो होगी, लेकिन कम गलती करना है, गलती को सुधारना है और कम गलती करना है, फॉर्मूला ही सिंपल सा फॉर्मूला, आपको कम गलती करना है, यानी कि बार बार आपको टेस्ट करना होगा कि गलती कहाँ हुई है, किस वजह से मेरा ड्राइंग अलग लग रहा है, मेरा जो रिजल्ट चाहिए था वो आ क्यों नहीं रहा, ठीक है ना? वो गलती को जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तब आसान हो जाएगा सब कुछ। इस ड्राइंग में गलती नहीं है, बहुत सारा गलती है, बहुत सारा। ऑलराइट, अब नीचे चलते हैं मुंह की तरफ, हम पहले स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर में बहुत टाइम लगता है। इसका बेसिक रीज़न यही है कि मान लो आप एक घर बना रहे हो, हैं घर बना रहे हो, और घर का जो नक्शा है वो ठीक ही नहीं है, भाई साहब पहले से डिसाइड ही नहीं है, और आपने बनाना स्टार्ट कर दिया, मिस्त्री को बोला बनाने को, बनाना स्टार्ट कर दिया, लास्ट में देखा कि 2 भाई है उस परिवार में, 2 भाई है जिसका घर छोटा भरा हो गया, एक ने एक को बहुत छोटा मिला, एक को बहुत बड़ा मिला, तो लड़ाई हो गई। अगर यही पहले सोच के मतलब रखते और घर बनाना स्टार्ट करते इसी सोच से, दोबारा बोलते हैं कि अगर वो पहले से प्रीडिफाइंड होते हैं, पहले से सोच के रखते कि दोनों को सेम कर देना है, तो ऐसा गलती नहीं होता।
अब मुंह को जब ड्रॉ करें तो कैसे करें, है ना? ऑलराइट, तो हम चिन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये चिन है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे फिर भी, और जो मेजरमेंट करके, है ना, ऐसे मेजरमेंट करके कि इसके नीचे कौन आ रहा है, इसके नीचे चिन आ रहा है यहाँ से। सो ये लाइन जो है ये यहाँ तक आएगा। ये आ गया ऊपर का होठ, और ये आ गया नीचे का। मैं रात को इसलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि रात में शोर कम होता है। रूरल एरिया है, गांव है, तो बाहर बहुत ज़्यादा शोर होता है, बच्चे खेलते हैं, और पास में ही एक मार्ट है, तो शाम के टाइम बहुत ज़्यादा क्रिकेट और गेम खेला जाता है, तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, इसलिए मैं रात में वीडियो बनाता हूँ। ये थोड़ा सा गलती हुआ, मिटा लेते हैं, कौन मना कर। ये हो गया नीचे का होठ, और इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ तक, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ तक होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको हर एक स्टेप पे एक लाइन, बड़ा लाइन ड्रॉ करना है। बड़ा लाइन से मेरा ये मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं, उसको दूर के किसी चीज़ से कंपेयर कीजिए, ठीक है? मान लो कि मैंने ये ड्रॉ किया, अब इसको मैं नाक से कंपेयर करूँगा कि नाक के सीधे सीधे हिस्से पर है या नहीं है। सो ऑलराइट, मैं ठीक से चल रहा हूँ, और यहां पर होगा चीन। मुझे बिल्कुल पता नहीं कि कौन सा लूमिस मेथड है वो। अब मैं बताऊं तो मुझे पता है, लेकिन मैं यूज नहीं कर रहा हूं। मैं चीज़ों को जितना हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो। ड्राइंग एक बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है, इसे कोई भी कर सकता है, थोड़ा सा अगर ध्यान से करो, अगर हर लाइन के पीछे आपका एक मकसद हो, तब ये ड्राइंग आसान हो सकता है, वरना ये बहुत मुश्किल लगेगा। अब आप खुद ही सोचो, अगर आप ड्राइंग को आसान नहीं सोचोगे तो ड्राइंग आपके लिए आसान कैसे होगा, वो तो मुश्किल ही रहेगा। मंडला आर्ट जो करते हैं उनके लिए तो वो आसान है, लेकिन आप क्योंकि उस पैटर्न को समझ नहीं पा रहे हो तो आपके लिए वो मुश्किल है। भाई साहब, कभी कभी तो मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि वो मंडला आर्ट करते कैसे, इतना सटीक। अब मैं यहाँ पर नाक के सीधे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, अब देखूँगा कि ये कान कहाँ तक आ रहा है, कान क्या मुंह के ऊपर आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आएगा। सो इसी बहाने इसको ड्रॉ कर लेते हैं, कान हो गया। अब सोचो, ये तो बस बेसिक स्ट्रक्चर है,
इसके बाद तो और भी कुछ आएगा। वैसे भी मेरा ड्राइंग जो है वो थोड़ा सा गलती हुआ है इसमें। ये सब मैंने HB पेंसिल से किया है। आप कोई भी पेंसिल यूज़ करिए, बस उसका ग्रेड जो है वो बहुत लाइटेस्ट होना चाहिए। अगर आप लाइट पेंसिल से ड्रॉ नहीं करेंगे तो पहले ही वो मोटा दाग से आप घबरा जाएंगे कि मोटा कलर आ गया मतलब गया। इसीलिए मैं भी लाइट कलर से ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया हमारा ड्राइंग। बिल्कुल आसान है ना? मेरा वाला परफेक्ट नहीं है लेकिन कुछ हद तक परफेक्ट है। और आपके सामने ही बनाया सब कुछ। मुझे पहले कुछ नहीं पता था तो मैंने धीरे से स्टार्ट किया और आगे बढ़ता गया धीरे धीरे। अब इसके अंदर अगर फीचर्स बनाने होंगे बना सकता हूँ, उसमें क्या है। ये बन गया ड्राइंग। अब हम आएंगे सेकंड स्टेप वैल्यू की तरफ आते हैं। और सबसे पहले हम वैल्यू स्टार्ट करेंगे किससे, HP से। और ऐसे पूरा शेड कर देंगे पूरा, ठीक है। हम एक अलग सा टोन बना रहे हैं।
और इसको हम ब्लेंड कर देंगे टिश्यू पेपर से। ध्यान दीजिएगा, आपका आउटलाइन मिट सकता है। तो ये बन गया फैलू। अब फैलू कैसे बन गया? हमने एक अलग सा टोन दिया है चारों साइड। क्यों दिया है? इसकी वजह से पेपर का जो असली चेहरा है, असली रंग है, वो हाईलाइट के तौर पे हमें दिखेगा। अब हम यूज़ करेंगे मोटा पेंसिल, लाइक 10B। और जहाँ जहाँ जो वैल्यूज है वो पुट करते जाएंगे। शायद नॉइज़ आ रहा है। अब इतनी रात को नॉइज़ नहीं आना चाहिए, फिर भी आ रहा है। मैं क्या करूँ इसका। हम बस 8B और HB और 10B को यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा कोई पेंसिल नहीं है। यही से सब कुछ। मुझे लग रहा है कि वो लोग, उनको पता चल गया कि आज रात को हमें वीडियो बनाना है, बना रहा हूँ, इसलिए जोर जोर से शोर करें। बाकी दिन नहीं होता ऐसा। ये बन गया हिटलर। हिटलर बनाने का मूड नहीं था, बन गया दाढ़ी से।
साथ ही साथ हम नाक भी ड्रॉ करेंगे। देखिए आउटलाइन तो रेडी है, हमने इतनी मेहनत करके आउटलाइन बनाया है, वो तो रेडी है ना। तो उसके ऊपर से हमको बस वैल्यू पुट करना है, जहाँ जो वैल्यूज है, और वैल्यू का सारा पेंसिल तो आपके पास है ही, HB से 10B तक सारा कुछ पेंसिल आपके पास है, मतलब सब कुछ है आपके पास, पैक आता है HB से 10B तक, वो पैक खरीद लीजिएगा अगर नहीं है तो। पेंसिल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आर्ट लाइन का भी, डॉम्स का भी, या कुछ और कंपनी का। ये आउटलाइन मैं हर जगह नहीं दे रहा हूँ, यहाँ छोड़ दिया फिर यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चलो अब लिप्स ड्रॉ करते हैं। लिप्स ड्रॉ करने से पहले हमें बेस लेयर देना होगा, ये हो गया बेस लेयर। ध्यान रहे बीच का लाइन मिटना नहीं चाहिए, अगर आउटलाइन मिट गया तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए आपको पहले देखना होगा कि आउटलाइन कितना मोटा करना है, पतला करेंगे तो मिट जाएगा ब्लेंडिंग करते टाइम, होता है कभी कभी, और कभी कभी थोड़ा सा दिखता है, उतना भी नहीं मिटता, और उस थोड़े से आपको काम चलाना पड़ता है, इफेक्टिव है। करते हैं होंठ, होंठ का बीच का लाइन। ये पूरा ड्राइंग में मैं सिर्फ ग्रेफाइट यूज करूंगा, कोई चारकोल नहीं। छोटे जो वैल्यूज होते हैं लाइट वैल्यू, उनके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ HB और 2B पेंसिल। ये देखो ये 2B पेंसिल है और ये HB पेंसिल है, और जो डीप वैल्यू है उसके लिए मैं यूज़ करूँगा 6B 10B ये सब। मुद्दा ये है कि आप किसी भी पेंसिल से किसी भी वैल्यूज ला सकते हो, ये पूरा आप डिपेंड करता है आपके हैंड के प्रेशर पर। अगर हाथ का प्रेशर ज़्यादा है, आप खुद ही ट्राई करके देख लीजिए, प्रेशर ज़्यादा है तो HB से भी 10B का वैल्यू आ सकता है। ये ओवर बोल गया शायद, 2B से 10B का वैल्यू आ सकता है, उतना मुश्किल नहीं होता। इसे करते टाइम हम बार बार ब्लेंड करेंगे, इरेज करेंगे बार बार, फिर डिटेलिंग देंगे।
ये आप किसी भी पेपर पे कर सकते हो, स्पेसिफिक कोई पेपर नहीं है कि आप सिर्फ इस पे ही कर सकते हो, आप किसी भी पेपर पे ये ड्राइंग कर सकते हो। ये तो प्रैक्टिस वर्क है, हम रोज़ करते हैं। हाँ, प्रैक्टिस हमें रोज़ करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस से ही बड़ा डिफरेंस आता है, ये दिमाग में बैठा लो। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ HB पेंसिल, मन में सवाल आएगा क्या हम इसे ब्लेंड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे ब्लेंड कीजिए, किसी भी तरह से ब्लेंड कर सकते हो। थोड़ा सा डायरेक्शन का ध्यान रखना, वरना इधर से उधर हो गया तो गया मामला। अब ये आग करते हैं, इरेजर अभी मत यूज़ कीजिएगा, इरेजर बाद में यूज़ करेंगे। ये 4B पेंसिल है, आप परेशान मत हो जाइएगा कि मैंने पेंसिल का नाम अगर नहीं बताया किसी किसी पोर्शन में, ऐसा सब पॉसिबल नहीं होता कि हर टाइम पेंसिल का नाम बता सकूं। आप बस समझ लीजिएगा कि हल्का प्रेशर दे रहा है या फिर हल्का वैल्यू आ रहा है, लाइट वैल्यू आ रहा है, तो लाइट पेंसिल ही होगा, लाइक HB 2B यही होगा। अगर मोटा वैल्यू देता तो वो बिना शक के
क्या होता, 8B या 10B? अच्छा, ब्लेंडिंग को लेके एक और बात करनी है, ये कंप्लीट होने दो। अब यूज करूंगा 4B। देखो, पहले मैंने डार्क वैल्यू दे दिया और उसके बाद लाइट वैल्यू दे रहा हूं। अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंडिंग जब तक इधर से उधर नहीं हो रही तब तक ठीक है, मतलब आउटलाइन से बाहर नहीं जा रही तब तक ठीक है। बाई चांस चला गया ना आउटलाइन के बाहर, मुश्किल में पड़ जाओगे।
इस टेक्निक से आप कोई भी पेंटिंग बना सकते हो, कोई भी, फ्री हैंड में, सब इजी है। आप पहले ही सोच लोगे कि ये मुश्किल है तो मुश्किल होगा, अगर सोचोगे कि ये आसान है, आसान है। अब मैं संदीप महेश्वरी बन गया। लाल। एनीवे स्टार्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट स्टेज क्या है पता है? नेक्स्ट स्टेज है इरेज करना, फिर वापस रिटेल देना, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि आप सेटिस्फाइड ना हो जाओ। फ्री हैंड ड्राइंग से सेटिस्फाई होना बहुत मुश्किल है, ट्रस्ट में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें चाहिए एकदम परफेक्ट, और फ्री हैंड ड्राइंग तो परफेक्ट देता नहीं है, बहुत मुश्किल के बाद देता है। लेकिन इसमें एक ओरिजिनलिटी है। ब्लेंड कर लेते हैं, चलो। अब हम स्टार्ट करेंगे इरेज करना। इरेज करने के लिए ये मैं यूज़ करूँगा, कोई भी इरेजर, नॉर्मल इरेजर, आप मोनो इरेजर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको काट लेते हैं थोड़ा, ठीक है। लगता है मुझे पेंसिल इरेजर यूज़ करना ही होगा।
ध्यान रखना आपको चारकोल यूज नहीं करना है, नहीं तो आप सीखेंगे कैसे। चारकोल है, अच्छा है, चारकोल बाद में यूज कीजिएगा। एक्सपेरिमेंट के लिए आप पहले HB to 10B कोई भी पेंसिल यूज कर सकते हैं। मैं पीछे कुछ नहीं कर रहा इधर, ठीक है, क्योंकि जब कैमरा धीरे धीरे, अगर DSLR कैमरा हुआ तो वो पीछे ब्लर कर देता है अच्छे से। कोई भी कैमरा आजकल पीछे बहुत ज़्यादा ब्लर कर देता है।
उस ब्लर इफेक्ट को दर्शाने के लिए मैं पीछे कुछ नहीं करूंगा। अब नीचे ये टेक्सचर आ रहा है क्योंकि पेपर बहुत पतला है, 100 GSM का होगा। ये स्केचबुक पेपर है, स्केचबुक है और ट्रैवल के लिए मैंने ख़रीदा था। ट्रैवल जब मैं करता हूँ किसी एक शहर से दूसरे शहर, तब ये लगता है। तो ये बन गया हमारा एक नॉर्मल सा पोर्ट्रेट। कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, कर लोगे? गुड। ये आपको रोज प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये। अगर कर लोगे तो इससे आसान कुछ नहीं, ये भी आसान लगेगा और बाकी सारा जो ड्राइंग है वो सब भी आसान लगेगा फ्री हैंड में। डरोगे नहीं कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है, अब कैसे करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस बनाना होता है, शुरू तो करो, निकल जाएगा।
जब भी टाइम मिले तो इस वीडियो को ओपन करके मेरे साथ साथ ये ड्राइंग बनाना, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, सोते रहो और टाइम मिले तो इस वीडियो को देखना। वार्निंग, इससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, इस फ्री हैंड ड्राइंग से, जैसे कि अब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जितना करूँ उतना और करता है, मन करता है कि और ज़्यादा ड्राइंग करूँ, तो सेटिस्फाइड होना मुश्किल है इसमें। तब तक के लिए बाय, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।